प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को शामिल होने के लिए निकले थे। वो लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे, लेकिन उन्हें प्लेन पर चढ़ने से रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी एयरपोर्ट पर तैनात रहे और प्लेन के गेट के पास घेर कर खड़े हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक अधिकारी अखिलेश यादव के आगे प्लेन के ठीक गेट पर खड़े हैं। अखिलेश यादव को रोके जाने से एयरपोर्ट पर पुलिस प्रशासन और उनके बीच बहस भी हुई। खुद को रोके जाने पर अखिलेश यादव ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने से रोका जा रहा है। अखिलेश के ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। बवाल बढ़ने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में अराजकता न फैले, इसीलिए अखिलेश यादव को रोका गया है। समाजवादी पार्टी को अपने अराजक गतिविधियों से बाज आना चाहिए। प्रयागराज में वर्तमान में कुंभ चल रहा है। अभी 10 दिन पहले से अखिलेश यादव जी स्वयं प्रयागराज कुंभ में गए, वहां पर दर्शन करके और संगम में स्नान करके भी आए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रशासन ने शासन से इस बारे में अनुरोध किया है कि अखिलेश यादव अगर इलाहाबाद आते हैं तो वहां पर तमाम छात्र गुटों के आपसी वैमनस्य के कारण वहां पर हिंसक झड़पें हो सकती हैं, कानून व्यवस्था के लिए संकट हो सकता है, विश्वविद्यालय में व्यापक आगजनी और तोड़फोड़ हो सकती है। इसलिए उन्हें वहां पर रोकने के लिए उन्होंने सरकार को आग्रह किया था, प्रशासन से आग्रह किया था, और उसी क्रम में चूँकि कुंभ है, प्रतिदिन 25 से 30 लाख श्रद्धालु वहां पर आ रहा है, साथ साथ अब तक सफलतापूर्वक सारे कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। अपनी अराजक और विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात समाजवादी पार्टी इसी अराजकता को आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनुरोध पर सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि वे प्रयागराज वहाँ पर विश्वविद्यालय के या किसी भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जिसके कारण हिंसा भड़क सकती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि एक छात्र नेता के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से सरकार इतनी डर रही है कि उन्हें लखनऊ हवाई अड्डे पर रोका जा रहा है। बिना किसी लिखित आदेश के उन्हें हवाई जहाज पर चढ़ने से रोका जा रहा है। पूछने पर भी स्थिति साफ करने में अधिकारी विफल रहे। छात्र संघ कार्यक्रम में जाने से रोकने का एकमात्र मकसद युवाओं के बीच समाजवादी विचारों को और आवाज को दबाना है। इस घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी योगी सरकार पर हमला बोला। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आज इलाहाबाद नहीं जाने देने के लिए उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोक लेने की घटना अति निंदनीय व बीजेपी सरकार की तानाशाही व लोकतंत्र की हत्या की प्रतीक है। ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं, ये मामला यहीं पर थमने वाला नहीं दिखता। भाजपा और सपा इस मामले में आमने सामने हैं और सपा को बसपा का भी सहयोग है। इस मामले पर सियासत का और जोर पकड़ना तय है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।